महाराष्ट्र पुलिस की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिस कर्मियों की कुल संख्या 8483 हो गई है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कोरोना के नए मामलों की संख्या अब 49,000 के करीब पहुंच गई है। कर्नाटक में कोरोना वायरस के साथ कोहरम मच गया है। पिछले करीब 3 सप्ताह से यहां मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड विस्तार हो रहा है। राज्य में मरीजों की संख्या 90,000 से पार हो चुकी है। आज कारगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री त्रिपद नायक और तीनों सेना प्रमुख ने दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश में कारगिल विजय दिवस के मौके पर रेत से विजय गाथा की आकृति बनाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,42,031 नमूनों का परीक्षण किया गया। कारगिल दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल विजय की 21वीं वर्षगांठ पर मैं भारतीय सशस्त्र बलों को, उनके बहादुर सैनिकों को सलाम करना चाहूंगा, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दुश्मन से लड़े। अबोहर के पंचपीर के नजदीक एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के घर से भाग जाने की खबर है, जिसको लेकर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना को लेकर विशेष पूजा की गई। कर्नाटक के घरवाड़ में नौकरी छूटने के डर से कल एक परिवार के 3 संदिग्धों ने आत्महत्या कर ली। शवों के पास से एक सुसाइड नोट मिला है।